अब चेक करो, नाउ चेक, नाउ 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 चेक, अब आ रही होगी, अब आ रही है, अब आ रही है, बताइए, है ना? ओके, चलो देखो, ठीक है, ये देखो मैं एक मिनट में इंजीनियर बन गई हूँ, एक मिनट में मुझे पता चल गया कि यार क्या मिस्टेक हो रही होगी, है ना, क्यों आवाज़ नहीं आ रही है, सब पता चल गया मैम को, ठीक है. Yes. So hi once again. So I was saying that good afternoon. Welcome to Unacademy Neet and welcome to another session of Medhavi Batch, जिसमे हम animal tissues को continue करने वाले हैं. Yesterday we had discussed about first part of the connective tissue. Connective tissue is the most abundant tissue. It is the most widely distributed tissue. So उसको complete करने में भी थोड़ा abundant time चाहिए, वाइट टाइम चाहिए. तो हमने आधा टाइम कल ले लिया, आधा टाइम आज ले लेंगे. लेकिन आज संडे है, तुम लोग बोलोगे मैम आपने संडे को क्लास क्यों ली? क्योंकि बेटा तुम्हारे लिए कोई संडे मंडे नहीं है. डोंट लुक एट इट लाइक कि वीकडेज वीकेंड. अब आपकी लाइफ में अगले एक साल तक कोई वीकेंड कोई वीकडे का डिमार्केशन नहीं है. फॉर यू देयर आर 7 months लेफ्ट. अब 7 months में देख लेना कितने डेज लेफ्ट, हर एक दिन निकलता जाता है. तो बेटा तुम्हारी प्रैक्टिस क्या होती जाती है, तुम्हारी तैयारी क्या होती जाएगी, पीछे होती जाएगी. इट इज़ लाइक यू नो, जैसे लाइफ के लिए वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि लाइफ में आपके पास गिने चुने दिन है, वैसे ही नीट के लिए आपके पास गिने चुने दिन है. हर एक दिन निकलता है, एक दिन निकाल दिया करो. मान लीजिए आपके पास एक एक जार है, जार के अंदर बहुत सारे पेबल्स हैं या स्टोन्स हैं, डिफरेंट कलर स्टोन्स हैं. एक स्टोन निकालोगे एक दिन गया, एक स्टोन निकालोगे एक दिन गया. तो यार संडे हो चाहे मंडे हो, स्टोन तो निकालना ही पड़ेगा ना हमें. इसीलिए आपकी तैयारी हर दिन चलेगी. आई विल ट्राई कि मैं कोई ना कोई क्लास आपकी एवरी यू नो वीकडे वीकेंड लू, चाहे वो स्पेशल क्लास हो चाहे वो यूट्यूब क्लास. आई होप यू डोंट माइंड, है ना? इफ यू माइंड देन आई कांट से एनीथिंग, है ना? जो अच्छे बच्चे वो माइंड नहीं करेंगे. ओके, सो आज डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट. बाकी आप जानते हैं कि आपके सामने इतने सारे टीचर्स, अमेजिंग टीचर्स हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को. यू नो आई ऑलवेज एंड द थिंग्स इन अ पॉजिटिव नोट. सो मेरे साथ बेटा और सारे टीचर्स के साथ आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे स्पेसिफिकली फॉर 2022. लेकिन जो बच्चे 2023 के भी हैं, ड्रॉपर्स भी हैं, उनके लिए बैच 100% वैलिड है. आप लोगों के लिए भी यहाँ डिटेल तैयारी हो रही है, चाहे आप 11th में, 12th में या फिर 13th यानी कि ड्रॉपर्स में, सबके लिए बेटा ये बैच वैलिड है. अगला, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो माई नेम इज सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अन अकेडमी नीट. एवरी डे बेटा आप मेरे सेशंस एक ही टाइम पर देखेंगे. द टाइमिंग्स दे आर गोइंग टू बी 3 PM ऑन YouTube. YouTube का टाइम है, स्पेशल क्लास का टाइम मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी ऑन टेलीग्राम, ठीक है? चलिए आ जाते हैं. बाकी बेटा YouTube पे नो डाउट हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आपको यू नो एक्सट्रीम अच्छी क्वालिटी के नोट्स मिलते हैं. लेकिन मैम के हैंड रिटन नोट्स के लिए, लाइव क्लासेस में मेरे साथ ऑडियो पे बात करने के लिए, पोल्स के द्वारा इंटरेक्शन करने के लिए, लीडर बोर्ड देखने के लिए कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, उसके लिए बेटा द प्लेटफॉर्म इज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपके पास होती है लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर्स, टेस्ट सीरीज है, एनालिसिस है, पोल्स है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं. You can see over here, है ना? So that is going to be live doubt clearing sessions. Okay. बाकी PDF और session के links के लिए this is the one for you. That is the Telegram channel t.me/unacademy_official. ठीक है, चलिए आ जाइए. So ये आपको पता चल गया. तो बेटा आप ले सकते हैं हमारे साथ iconic subscription या फिर ले सकते हैं plus का subscription. It is entirely your choice. मैं difference बता देती हूँ. Iconic में आपको साथ में क्या मिल जाती है? 1-to-1 mentorship मिल जाती है. Iconic में आपको hard copy भी मिल जाती है along with soft copy of the notes. Iconic में बेटा आपको live doubt clearing मिलती है, live doubt clearing जो कि आपके plus के platform में present नहीं है, ठीक है? So आप अपने according subscription ले सकते हैं 12 month, 24 month या फिर 6 month, ठीक है? Iconic और the प्लस सब्सक्रिप्शन. मेरी पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो यूट्यूब पे, अच्छा लगता हो, ट्यूनिंग बैठती हो. मैं हमेशा ट्यूनिंग की बात करती हूँ. बेटा टीचर सब अच्छे हैं, एवरी वन इज एक्सट्रीमली गुड इन देयर एक्सपर्टीज. लेकिन जिसके साथ अगर आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठती है तो डेफिनेटली बेटा कोड यूज कर लेना. कोड क्या है अपना? सीप लाइफ, ठीक है? बिना किसी गैप के, ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल, ठीक? चलिए आइकॉनिक में भी प्लस में भी स्टार्ट करें कनेक्टिव टिश्यू. शुड वी स्टार्ट? हाँ जी, ठीक है, कर दें स्टार्ट. क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार बता दो यार, मुझे क्यों नहीं क्लियर दिख रहा? लेट मी जस्ट चेक. ओह, 144p पे देखेंगे तो कैसे दिखेगा?
ओके लेट मी वॉच इट एट 1080 बेटा, अगर आपके पास इंटरनेट स्पीड है तो 1080 पे देखना, क्लियर दिखेगा। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें। तो अगर मैं बात करूं आपके कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखें, लेट मी जस्ट टेक अ पेपर विद यू। ओके, सो कल एक बारी बेटा क्लासिफिकेशन देख लें, शुड वी सी द क्लासिफिकेशन वंस, एक बारी देख लेते हैं, है ना, याद कर लेते हैं कि क्या क्या देखा था हमने क्लासिफिकेशन में, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में से ही मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताइए। तो क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं तो आपका था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या लिखते हैं, सीटी लिखते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू मैंने मेजरली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वन वॉज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोला है एनसीईआरटी ने। सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, साथ साथ बताते जाओ बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने देखा पतली दाल और गाढ़ी दाल। जो पतली दाल थी दैट वॉज लूज कनेक्टिव टिश्यू, है ना, दैट वॉज लूज कनेक्टिव टिश्यू। और जो गाढ़ी दाल थी बेटा, जिसमें फाइबर ज्यादा है मैट्रिक्स कम है, दैट वॉज गोइंग टू बी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज के टाइप्स बता दो, लूज के टाइप्स कौन से थे, दो ही थे, एक तो था सबसे अबंडेंट वाला पैकेजिंग टिश्यू, आपकी नर्व्स के अराउंड आपकी स्किन को मसल से जोड़ने वाला, दैट वॉज एरियोलर टिश्यू। दूसरा, खाना ज्यादा खाओगे एक्सरसाइज नहीं करोगे तो किसमें स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। कमिंग टू द डेंस, डेंस में हमने किया था कि यार डेंस में दाल तो गाढ़ी है, फाइबर ज्यादा है, लेकिन क्या वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं या फिर उनका अरेंजमेंट इररेगुलर है, है ना। रेगुलर अरेंज्ड है तो दे आर कॉल्ड एज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन कौन थे, जो आपकी मसल को बोन से अटैच करते थे। लिगामेंट कौन थे, जो बोन को बोन से अटैच करते थे, ठीक है। इररेगुलर हमने सिर्फ कहां देखा था, स्किन में, बस इतना ही याद करना, इससे ज्यादा नहीं आता। ओके, मूविंग ऑन टू स्पेशलाइज, आज हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू करना है। स्पेशलाइज्ड में पहली टाइप कौन सी थी आपकी, स्पेशलाइज्ड में बेटा पहला है स्केलेटल, दूसरा है फ्लूइड, ठीक है। स्केलेटल में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिकली विद द कार्टिलेज। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, कार्टिलेज। रेडी, याद आ गया ये सारा फ्लो चार्ट बेटा, याद आ गया है ना, कार्टिलेज से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए, अब एक कार्टिलेज क्या होता है, क्या करता है बॉडी में, व्हाट इज इट्स फंक्शन, वेयर इज इट प्रेजेंट। सो कार्टिलेज एंड बोन, बोथ ऑफ देम, चाहे वो कार्टिलेज हो चाहे बेटा जी वो बोन हो, दोनों के दोनों मिलके क्या बनाते हैं बॉडी का, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन का मतलब होता है आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क, हाउ यू लुक लाइक, व्हाट इज द शेप ऑफ योर बॉडी। आपकी बोन्स की वजह से बेटा आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उसी के ऊपर मसल्स हैं, उसी के ऊपर स्किन प्रेजेंट है। तो कार्टिलेज से स्टार्ट करते हैं। सो कार्टिलेज बेटा जी, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एज अ पेरिकॉन्ड्रियम। देखो ये टिश्यू है, टिश्यू के पास कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू के पास तीन चीजें होनी चाहिए थी, एक तो होगा मैट्रिक्स, कार्टिलेज के पास भी है मैट्रिक्स, एक होगा बेटा फाइबर्स, कार्टिलेज के पास भी है फाइबर्स, तीसरे क्या होंगे सेल्स, कार्टिलेज के पास भी सेल्स हैं। अब ये सारी चीजें किसी ना किसी चीज में तो प्रेजेंट होंगी, दैट मीन्स दे ऑल वुड बी सराउंडेड बाय समथिंग, सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पेरिकॉन्ड्रियम। मैंने तुमने बोला और मैंने सुन लिया पल्लवी, आपने बोला और मैंने सुन लिया, आपने बोला मैम चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग मिलेगी, मिल जाएगी, हाँ यस, एनसीईआरटी रीडिंग हर चैप्टर के बाद होगी एंड प्रॉबेबली इसकी एनसीईआरटी रीडिंग मैं कराऊंगी आपको थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे इज अ डे व्हेन वी आर गोइंग टू डू द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलो जी, बाकी और कोई ख्वाहिश हो, कोई इच्छा हो तो मैम को बता देना। ओके, सो कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय पेरिकॉन्ड्रियम, कार्टिलेज के अंदर मैंने बोला सेल्स होंगे, द सेल्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स, और बनते कहां से हैं वो, कॉन्ड्रोब्लास्ट से, ठीक है। तो बेसिकली द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, क्या नाम है बेटा, कॉन्ड्रोसाइट्स। हां जी, नेक्स्ट वन, कॉन्ड्रोब्लास्ट ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड एज ए डिस्ट्रॉइंग सेल, लेट मी मेक इट एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, इसको सी कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, लेट मी जस्ट शो यू,
कार्टिलेज का सारा डिटेल बेटा यहाँ करते हैं। कार्टिलेज सराउंडेड बाय, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स। जब तक मैं ना लिखूं यार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैट्रिक्स की बात करते हैं। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए सॉफ्ट किसके कंपैरिजन में कहा जा रहा है, सॉफ्ट कहा जा रहा है बोन के कंपैरिजन में। तो जब भी मैं कार्टिलेज का कंपैरिजन कर रही हूँ, इसको सॉफ्ट बोल रही हूँ, इसको प्लायबल बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन यू नो रिलेटिव टू बोन, ठीक है। सो कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये उतना रिजिड नहीं है जितनी अपनी बोन है, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, देखिए मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड। कैसा मैट्रिक्स है, सॉलिड है। और कैसा है, प्लाइबल मैट्रिक्स है। प्लाइबल का मतलब होता है जो दब सकता है, जैसे ये आपका कार्टिलेज है, सब बच्चे टच करें, दिस इज योर कार्टिलेज, ये दब सकता है, यस यू कैन प्रेस इट, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लाइबल नेचर। दैट मीन्स इट कैन रिजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन को क्या कर सकता है बेटा, रिजिस्ट कर सकता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब ये मैट्रिक्स किससे बना होगा, यार मैट्रिक्स किससे बना होता है, मैट्रिक्स में होंगे कुछ प्रोटीन्स, है ना। लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन प्रोटीन्स, सब बताऊंगी यार, सेल वेल सब बताऊंगी, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो। द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन। क्या नाम है प्रोटीन का बेटा जी, कॉन्ड्रिन नाम है, ठीक है। और साथ में इस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होंगे, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये तो होते ही हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बेटा ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके मैट्रिक्स की, ठीक। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। दूसरी चीज क्या है, सेल्स ऑफ द कार्टिलेज। अब तीन तरीके के सेल्स बताऊंगी। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। पहले तरीके के सेल्स कौन से हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है। अब कॉन्ड्रोब्लास्ट बेटा इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, दीज आर इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स। कॉन्ड्रा टर्म आ जाए यानी कि कार्टिलेज, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, ठीक है। कॉन्ड्रा यानी कि ऊपर लिख लेना अपनी कॉपी में, ऊपर बिल्कुल टॉप पे, यानी कि कार्टिलेज, ठीक है, समझ गए। सो इमेच्योर सेल्स दे आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोब्लास्ट, या फिर जो यंग कार्टिलेज सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे डिवाइड करके कुछ और बनाना है उसको बोलोगे ब्लास्ट वाले। ये डिवाइड होकर क्या बनाएंगे, दे आर गोइंग टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी मैच्योर कार्टिलेज सेल। मैच्योर कार्टिलेज सेल्स मतलब यही असली सेल्स हैं जो आपको मैट्रिक्स में दिखाई देंगे। और एक बात बता दूं बेटा, जितने भी कार्टिलेज या बोन के सेल्स हैं वो ऐसे नहीं घूम रहे हैं ना, उनको एक अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, एक अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। सो सेल्स दे आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंड दैट फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूना। सेल्स किसके अंदर मुझे मिलेंगे, लैक्यूना के अंदर मिलेंगे, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स हैं और ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, लैक्यूना, ठीक है। सो इन योर मैट्रिक्स यू विल सी देयर आर वेरियस लैक्यूना, और उस लैक्यूना के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग तरीके के कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब तीसरे टाइप के सेल्स एक और भी हैं, वन इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोक्लास्ट, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोक्लास्ट। क्लास्ट का होता है मतलब होता है मार गिराना, मतलब कार्टिलेज ईटिंग सेल जो खत्म कर देंगे पुराने ब्लास्ट को और साइट्स को। सो दीज आर कार्टिलेज ईटिंग सेल्स, ठीक है, कार्टिलेज ईटिंग सेल्स। तो एक कार्टिलेज के पास आप देखेंगे कि मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर लैक्यूना होगा, उस लैक्यूना के अंदर कौन से सेल्स होंगे बेटा, उस लैक्यूना के अंदर होंगे आपके कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि उसका मेजर सब्सटेंस बनाते हैं। फिर आपको ये कॉन्ड्रोसाइट्स बनाने वाले सेल्स कौन से हैं, आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना के देखूं किसी भी कार्टिलेज का, पे अटेंशन गाइस, इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ अ कार्टिलेज, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। सो इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, फाइबर्स, ये देखिए बेटा कोलाजन फाइबर्स मैंने बना दिए। साथ ही में इसके मैट्रिक्स के पास, मान लीजिए ये आपका क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज ऑल मैट्रिक्स, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, मैट्रिक्स तो होना ही होना है। इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर होगा आपके पास, यस पे अटेंशन, लैक्यूना। सो दिस इज लैक्यूना, दिस इज लैक्यूना। लैक्यूना के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। अब एक लैक्यूना के अंदर कितने कॉन्ड्रोसाइट फिट आ सकते हैं, कभी सोचे, हाँ जी कोई गैस लगाना चाहे, कि एक के अंदर मैम ने तो दो बनाए हैं, क्या तीन नहीं आ सकते,
क्या एक के अंदर एक नहीं हो सकता? यस गाइस बताइए, यस हाँ जी बताइए बेटा। नितेश कहीं भी लिखूं फर्क पड़ता है उससे? यहाँ तो अच्छी और अच्छी हैंड राइटिंग आती है। और क्या चाहते हो तुम्हें? तुम्हें हैंड रिटन नोट से मतलब है ना, वो तो मिलते ही है ना। तो इस पे इस कश्मकश में मत रहो कि यहाँ लिखो मैम, यहाँ लिखो, कहीं तो लिखो। जहाँ लिख रहे हैं बेटा वहाँ से कॉपी करो। हाँ जी, आज आपके मित्रगणों का, आपको पता होगा आज आपके मित्रगणों का वो है, पेपर चल रहा है, पेपर था पता नहीं हो गया है। यस पता है आपके मित्रगण आज जेई एडवांस देने गए हैं, आपके सीनियर्स। सो इट्स अ बिग डे फॉर एवरीवन, है ना, इट्स अ बिग डे फॉर एवरीवन। चलिए, सो ये है आपका ग्रीन कलर का जो हमने बनाया है, दिस इज गोइंग टू बी द लैकिना, एंड इस लैकिना के अंदर देयर कुड बी 1 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स। कितने हो सकते हैं? 1 से 4 तक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? तो एक भी बना हो सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी। दिस इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स, दिस इज गोइंग टू बी द मैट्रिक्स, एंड दीज आर बेसिकली द फाइबर्स। ये क्या है? आपके फाइबर्स प्रेजेंट है। तो पता चल गया कार्टिलेज के बारे में, पता चल गया सबको। 3 तरीके के सेल्स मैंने आपको बताए, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट एंड कार्टिलेज ईटिंग सेल्स विच आर कॉन्ड्रोक्लास्ट। अब अगर मैं इसका सेक्शन देखूं तो इसके जो आउटर कवरिंग होती है ना, द आउटर कवरिंग, इट हैज गॉट स्पेशल नेम। द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। क्या नाम दोगे इसको? पेरिकॉन्ड्रियम। एंड एक बात, द ब्लड सप्लाई टू कार्टिलेज इज लिमिटेड टू पेरिकॉन्ड्रियम ओनली। यानी कि अंदर तक ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, कोई ब्लड वेसल नहीं अंदर। ब्लड वेसल्स बेटा कहाँ तक जाती हैं? पेरिकॉन्ड्रियम तक। इसीलिए जब चोट आपके कार्टिलेज में लगती है वो ज़्यादा समय लेगी ठीक होने में, क्योंकि ठीक होने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें इम्यून सेल्स चाहिए, ब्लड चाहिए बेसिकली। तो ये जो ब्लड है वो तो कहाँ तक लिमिटेड है? पेरिकॉन्ड्रियम तक। इसीलिए आप जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं कार्टिलेज की चोट से। बोन में चोट लगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, कार्टिलेज में जल्दी ठीक नहीं होगी, ठीक है? बिकॉज दे आर, यस यू कैन कॉल देम एज ए वैस्कुलर, बिल्कुल बोल सकते हैं, दे आर एक्चुअली ए वैस्कुलर, ए वैस्कुलर, ठीक है? क्योंकि द ब्लड सप्लाई इज लिमिटेड टू पेरिकॉन्ड्रियम ओनली, ठीक है? तो ये बात याद रखना, ऐसा भी ए वैस्कुलर नहीं है कि है ही नहीं, है लेकिन उनके कोने तक ही है, दैट इज स्टिल पेरिकॉन्ड्रियम। यस, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज है, इफ यू विल सी, यू विल सी कार्टिलेज ओवर हियर, दिख रहा है? सो ये जो आपको दिख रहा है कनेक्शन, दिस वाइट वन, दिस इज एक्चुअली कार्टिलेज। दैट मीन्स कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? जहां पे दो बोन ऐसे जुड़ती है, आर्टिकुलेटिंग, जोड़ने को बोलते हैं आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द टू बोन्स, दिस इज द कार्टिलेज, ठीक है? दो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सर्फेस में क्या है? कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। सो वन टाइप इज गोइंग टू बी हाईलाइन कार्टिलेज, पहला नंबर हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है? हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज की लोकेशन देखिए जरा, लोकेशन इज गोइंग टू बी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द टू बोन्स। कभी सोचा है कि यहां क्यों लगाना है कार्टिलेज? ये एक बोन है, मान लीजिए दिस इज अ बोन, दिस इज अनदर बोन, हाँ जी, क्यों लगाना है यहाँ पर? यहाँ पर बेटा इन्होंने कार्टिलेज लगा दिया आपका, ये देखो इस तरीके से, दिस इज द कार्टिलेज। वाई इज इट रिक्वायर्ड? वाई, सोचो, बोन को बोन से होने देते ना, बताइए, वाई आर्टिकुलेटिंग सर्फेस ऑफ द लॉन्ग बोन्स? बिल्कुल ठीक है अंजलि विद द राइट आंसर। द रीजन इज बेटा ताकि वहां फ्रिक्शन ना हो, ताकि वहां वियर एंड टियर ना हो, क्योंकि अगर दो बोन ऐसे मूव करेंगे, देखो लॉन्ग बोन्स है, मूव करेंगे आपस में, दोनों के एंड्स टच करेंगे, वियर एंड टियर होगा, तो वहां पर वियर एंड टियर ना हो इस वजह से हम क्या लगा देते हैं? एक आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज लगा देते हैं, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज। सो इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट कहां मिलता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ लॉन्ग बोन्स, लिख सकते हैं ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है? पहली लोकेशन ये हो गई। और कहाँ प्रेजेंट है? और बेटा जी ये कहाँ प्रेजेंट है? और अगर मैं देखूं, यही हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है बेटा जी आपके ट्रैकियल रिंग्स में। कैन यू सी दिस पोर्शन? ये आपको ट्रैकिया दिख रहा है? ये ट्रैकियल रिंग्स में बेटा, दिस इज हाईलाइन कार्टिलेज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा थोड़ा तो याद ही होगा,
ये आपका ट्रैकिया जाता है विच इज द विंड पाइप, ये आगे ब्रोंकाई बनाता है. तो यहाँ पर द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस, दिस इज ऑल्सो हाई लाइन कार्टिलेज. और ये हाई लाइन कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके नोज की डिविजन, नेजल सेप्टम पता है ना, ये नाक है, नॉस्ट्रल्स हैं, ये आपकी कैविटी है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है नाक के, दो हिस्से. तो बीच का जो सेप्टम है, दिस इज ऑल्सो हाई लाइन कार्टिलेज. तो लिख लें इसको, हैं बच्चों लिख लें. यस, सो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, और कहां पे होगा, और बेटा कहां पर होगा, नेजल सेप्टम. नेजल सेप्टम, सेप्टम का मतलब होता है डिविजन, ठीक है. सेप्टम का क्या मतलब होता है बेटा? डिविजन, ठीक है. और कहां, बिल्कुल सही है, कॉस्टल कार्टिलेज, एब्सोल्युटली कॉस्टल कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज यहां बना हुआ है. ये देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, लेट मी जस्ट जूम दिस, अब अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ जी, कैन यू सी? मजा आएगा बेटा, अब जूम करके देखेंगे तो. और जूम कर लो, ये लो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है. ये एक मीम भी है, यू नो, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. चलो, ये आपके रिब्स आ रहे हैं, दीज आर योर रिब्स. रिब्स आर एक्चुअली अटैच्ड टू स्टर्नम. ये क्या है स्टर्नम? मैंने आपको 3D में अभी पूरा एक सीरीज ली थी, उसमें भी बताया था कि दिस फ्लैट बोन, डैगर शेप बोन इज स्टर्नम. ये इधर से रिब्स आ रहे हैं, 1 to 7 जो रिब्स हैं, दे आर अटैच्ड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज. जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली कार्टिलेज, ठीक है. इस कार्टिलेज का नाम क्या है? दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड एज कॉस्टल कार्टिलेज. क्या नाम है? कॉस्टल. और कॉस्टल एक कैसा कार्टिलेज है? कॉस्टल एक हाईलाइन कार्टिलेज है. इट इज अ टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है, क्लियर है? यस, सो कॉस्टल इज अ टाइप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक. चलिए, ये बोन नहीं है बेटा, कार्टिलेज है. चलो, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉस्टल कार्टिलेज. तो पहले टाइप का कार्टिलेज हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया, यही है बेटा हाईलाइन. मैक्सिमम होता है ह्यूमन बॉडी में. मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ दिस कार्टिलेज. जब हम छोटे थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब हमारे एम्ब्रियो में कौन सा कार्टिलेज था? हाईलाइन कार्टिलेज था. लेटर ऑन इट ऑसिफाइज, इसकी क्या हो गई थी? ऑसिफिकेशन हो गई थी. यानी कि ये क्या बन गया फिर? बोन बन गया. कुछ कुछ जगह पर क्या बन गया? बोन बन गया. सो द आउटर कवरिंग ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम होता है. मैट्रिक्स बिल्कुल ग्लास लाइक है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइबर्स इन द मैट्रिक्स. दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन कि ये एक ग्लास लाइक कार्टिलेज है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, फाइबर्स नहीं होते हैं. मैट्रिक्स किस कलर का है? ब्लूइश कलर ऑफ द मैट्रिक्स. सो हाईलाइन कार्टिलेज. लोकेशन भी पता चल गई, इट इज फाउंड इन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेस, ट्रैकियल रिंग्स एंड योर नेजल सेप्टम. चलिए, अगला कार्टिलेज इज गोइंग टू बी द येलो इलास्टिक कार्टिलेज. बेटा सेकेंड नंबर, येलो इलास्टिक. जब भी इलास्टिक आ जाए, क्या मतलब है? मतलब है वहां पर कि आपको वहां पर फ्लेक्सीबिलिटी प्रेजेंट है. ये ऐसी जगह प्रेजेंट होगा जो कि फ्लेक्सीबल है ना. फ्लेक्सिबल कौन सी जगह है? टिप ऑफ द नोज, देख रहे हो, टिप ऑफ द नोज, दैट इज गोइंग टू बी ईयर पिन्ना. मूव कर सकते हो आगे पीछे अपने कान को. जब हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं बेटा? यही तो कान ऐसे खींचते हैं. किस किस का कान खींचा है? किस किस? अपना बताऊं तो बेटा, हमें तो ऐसी डांट पिटती थी, हमें ऐसे ही मारा जाता था. मारना तो दूर है, मतलब मारते नहीं होते थे, बस यही यही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डांट है हमारे लिए. यस, है ना. सो टिप ऑफ द नोज, इट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज, ये रहा, ठीक है. ईयर पिन्ना एंड द वॉल ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब एज वेल. यूस्टेचियन ट्यूब में भी होता है. एंड एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो इलास्टिक कार्टिलेज, है ना. चलिए आगे चलते हैं. सो ये तीन लोकेशन है आपके वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की. जब भी आ जाए येलो इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिसिटी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो बॉडी में फ्लेक्सिबल रीजन है वहां पर ये मिलेगा आपको, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला कार्टिलेज. दिस इज गोइंग टू बी हाईली स्ट्रॉन्ग. क्यों? क्योंकि इसके पास वाइट फाइबर्स हैं. वाइट फाइबर्स कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स हैं. सो पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, क्योंकि सारा वाइट फाइबरस कार्टिलेज इज कन्वर्टेड इनटू, है ना. यस, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें नहीं होगा.
दूसरी चीज, मैट्रिक्स में देर आर कोलेजन फाइबर्स इन मोर क्वांटिटी, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज. जहां येलो इलास्टिक है वो फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है, जहां पर ये है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज. अच्छा, बॉडी में आपको स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए, बॉडी में आपको स्ट्रेंथ कहाँ चाहिए, उसी डायग्राम पे दोबारा आते हैं. ये रहा कार्टिलेज का डायग्राम. बॉडी में स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ चाहिए, कभी सोचा है? हाँ जी, इसमें ये सारी कार्टिलेज की लोकेशंस है. इसमें तुम्हें जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ वाइट फाइब्रस लगा दो. बॉडी में तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपकी बैकबोन में, जो पीछे आपकी कोर है ना, उसी पे सारा बॉडी का वेट टिका हुआ है. सो दिस इज द वन जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए. तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेज इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज गोइंग टू बी द वाइट फाइब्रस. ये क्या होगा, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होगा. और बेटा जब आप बैठते हो तो सारा वेट किस पे आता है, हिप्स पे आता है. दैट मीन्स यहाँ पर भी जो कार्टिलेज है ना, प्यूबिक सिम्फिसिस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वाइट फाइब्रस कार्टिलेज. सो जहाँ स्ट्रेंथ है वहाँ वाइट फाइबर्स, जहाँ पर फ्लेक्सीबिलिटी है लाइक एक्सटर्नल ईयर नोज, वहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है, यस गाइस. बेटा सबका स्केलेटन सोनिया ऐसा ही होता है. ये बड़ी यू नो रेसिस्ट टाइप की लाइन हो गई जो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए. एवरी वन इज सेम, ह्यूमन बॉडी सेम, इररिस्पेक्टिव कि वो लोग क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं या वो लोग अपनी अर्निंग के लिए क्या करते हैं. ठीक है, सो वी शुड लर्न टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी वन. मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, है ना? वी शुड लर्न टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी वन. ओके, चलिए तो पता चल गया वाइट फाइब्रस. अब एक और टाइप का कार्टिलेज भी होता है यार, जिसका नाम है कैल्सिफाइड कार्टिलेज. देख रहे हो, जिसमें जो कि हार्ड है, कैल्शियम डिपोजिशन है, जो कि किसमें मिलता है हमें, फ्रॉग वगैरह में मिलता है. सो मूविंग ऑन टू दैट वन, दैट इज गोइंग टू बी द कैल्सिफाइड कार्टिलेज. सो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलाइन ओनली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट. और ये सबसे हार्डेस्ट कार्टिलेज होगा. कैल्शियम डिपॉजिट है हेड ऑफ द फीमर एंड द ह्यूमरस इन द मैन. कुछ फ्रॉग में भी इसके केसेस देखे गए हैं. दैट इज वर्टिब्रेट ऑफ शार्क्स में भी मिलता है. वर्टिब्रेट ऑफ शार्क्स, ठीक है. सबसे स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज. यू कैन सी देर आर कैल्शियम डिपोजिशन. ये सब क्या है, कैल्शियम की डिपोजिशन. यस, दिस इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. यानी कि उस कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट होके वो क्या बन गया, बोन बन गया. दैट इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. ठीक है, यस. इनिशियली मतलब ये हाइलाइन था, लेटर ऑन इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हुआ तो ये कैल्सिफाइड बन गया. ठीक, हाँ जी. अगला आता है अपने पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो कि स्केलेटल है, जिसका नाम क्या है, बोन. वेरी इंपॉर्टेंट, बोन कर लें बेटा. यस, बोन कर लें. चलिए आ जाइए, लेट अस स्टार्ट विद बोन. पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर पहले मैं सिखा देती हूँ, उसके बाद बेटा ये सब पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है. स्टार्टिंग विद बोन. बोन एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का टिश्यू है. ठीक है, क्या है, एक बहुत ही रिजिड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है. रिजिड भी है, हिलता नहीं है, है ना, रिजिड भी है. रिजिड क्यों है, क्योंकि इसमें 60-70% यस 60-70% क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मैटर. और इसी 60-70% की वजह से इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. अब इनऑर्गेनिक मैटर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स प्लस इट्स कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स. दोनों की दोनों चीजें कहीं भी आ जाए, कैल्शियम सॉल्ट्स आ जाए, कोलेजन फाइबर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या प्रोवाइड कर रही है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है ना. ये रीजन है, पूछा जाएगा बोन क्यों स्ट्रांग है. बोन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास कैल्शियम सॉल्ट्स हैं, क्योंकि उसके पास कोलेजन फाइबर्स हैं. ठीक है, अब कौन सा कैल्शियम सॉल्ट है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है या कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा है. ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये तो बेटा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट ज्यादा है. मेजर कैल्शियम सॉल्ट जो कि प्रेजेंट है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट. कार्बोनेट भी होता है लेकिन फॉस्फेट भी है. साथ ही बेटा अगर 30-40% की बात की जाए बोन में, इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. साथ ही में इसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक भी. ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग पार्ट. लिविंग पार्ट यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट बोन मैरो. और क्या होगा इसमें, बोन मैरो भी होगा. ठीक, अब इसके पास भी मैट्रिक्स है, इसके पास भी क्या है, सेल्स हैं. तो बात कर लेते हैं मैट्रिक्स कैसा है. सो मैट्रिक्स बेटा हार्ड है, उसके लिए हमने लिखा था मैट्रिक्स सॉफ्ट है. इसका मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड है. एंड इट इज नॉन प्लायबल. नॉन
प्लायबल। तो मेजर डिफरेंस कार्टिलेज और इसके मैट्रिक्स में, वो प्लायबल था मतलब कंप्रेशन रेजिस्ट करता था, उसे आप दबा सकते थे, इसको दबा नहीं सकते हो, इट इज नॉन प्लायबल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड द मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स विच आर कॉल्ड एज लैमिले। क्या बोलते हैं इनको? लैमिले, ठीक है। चलिए ये बात हो गई मैट्रिक्स की, इसको डाल देते हैं हम डब्बे में। किस में डाल देते हैं बेटा? इसको एक डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सेल्स की, इसके पास सेल्स भी हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द सेल्स, हाँ जी, बोन के लिए जो टर्म यूज होता है उसके लिए क्या था बेटा? कॉन्ड्रा। इसके लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियो, है ना। क्या टर्म यूज करोगे इसके लिए? ऑस्टियो। तो बोन का पहला सेल कहलाएगा ऑस्टियो ब्लास्ट। क्या नाम है सेल का? ऑस्टियो ब्लास्ट। ये क्या है? इमेच्योर बोन सेल, जैसे वहां लिखा था, इमेच्योर बोन सेल, ठीक है। ये क्या बनाएंगे माइटोसिस करके? ऑस्टियोसाइट्स, है ना। ये कहलाएंगे मेच्योर बोन सेल्स, ठीक है। क्या कहलाएंगे बेटा? मेच्योर बोन सेल। अच्छा, ईटिंग सेल्स कौन से होंगे बताओ? वहां पर ईटिंग सेल्स है कॉन्ड्रोक्लास्ट, यहां पर बता दो। यस, बताइए, यहां पर बताइए। अंशिका टेलीग्राम पे मिलेंगे, ज्वाइन कर लो मैम को, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ईटिंग सेल्स बता दो, बोन ईटिंग सेल्स क्या कहलाएंगे? ऑस्टियोक्लास्ट, बिल्कुल सही है। सो दैट नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी ऑस्टियोक्लास्ट, वेरी गुड। ऑस्टियोक्लास्ट दैट मीन्स बोन ईटिंग सेल्स। यस गाइस, इसको भी डाल देते हैं हम एक डब्बे में। तो मैट्रिक्स हो गया, सेल हो गया, साथ ही में हमने फाइबर्स की भी बात कर ली, ये आपके प्रेजेंट हैं फाइबर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन ऑस्टियोसाइट्स के स्ट्रक्चर की। बेटा ये राउंड सेल नहीं है, बोन का जो सेल होता है ना, ये जो ऑस्टियोसाइट की बात कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली स्टार शेप्ड सेल, स्टिलेट सेल है, इस तरीके से। ये है बेटा आपका स्टिलेट सेल, ये स्टार शेप, दिस इज हाउ बोन सेल इज। अब बोन सेल को भी किसके अंदर रहना है? लैक्यूना के अंदर। भाई नकल करता है ये, तो किसकी नकल करता है? कार्टिलेज की नकल करता है। जैसे आपके कार्टिलेज के सेल्स कहाँ हैं? हाँ जी, जैसे आपके कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट थे फ्लूइड फिल्ड लैक्यूना के अंदर, वैसे ही बेटा बोन के भी सेल्स चाहते हैं कि हम भी किसके अंदर रहें, हम भी किसके अंदर रहें? लैक्यूना। लेकिन एक लैक्यूना के अंदर कितना ऑस्टियोसाइट डालेंगे? यहाँ तो ऑस्टियोसाइट राउंड होता तो बात बन जाती। ऑस्टियोसाइट कैसा है? स्टार शेप। तो अपना लैक्यूना, एक लैक्यूना के अंदर फिर एक ही ऑस्टियोसाइट फिट आएगा। सो वन लैक्यूना कंसिस्ट ऑफ ओनली वन ऑस्टियोसाइट, ये बात याद रखिएगा। ये डिफरेंस है बोन और कार्टिलेज में, ठीक है। ये क्या है? मेजर डिफरेंस है, वन लैक्यूना वन ऑस्टियोसाइट। अच्छा, अब कार्टिलेज के अंदर एक प्रोटीन था, कार्टिलेज के अंदर बेटा जी एक प्रोटीन था, है ना। दैट प्रोटीन वॉज कॉल्ड एज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, द प्रोटीन वॉज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन। मैट्रिक्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? कॉन्ड्रिन। अगर मैं बात करूं बोन, बोन के पास भी प्रोटीन है ना। अननोन कॉलर, बोन के पास भी बेटा क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है। एंड हियर द प्रोटीन इज ऑसिन। ऑसिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। वैसे कार्टिलेज के पास क्या प्रेजेंट था बेटा? कॉन्ड्रिन। अंतर समझ आया? अंतर बेटा जी समझ आया? चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं। अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। वैसे तो बोन का स्ट्रक्चर बड़ा टिपिकल माना जाता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको बड़े सिंप्लीफाइड वे में पहले ड्रॉ करके दिखाऊं, फिर मैं उसकी विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगी। जमेगा? इस तरीके से चलेगा? चलिए बात करते हैं बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। तो बोन आपकी ये रही, बस यही वाला पोर्शन बेटा जी बड़ा है। इस बोन को तुमने ऐसे कट किया, ऐसे देख रहे हो, ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन। तो कट कर दो, एंड इस पोर्शन को आप यहां पर बनाइए, ठीक। ये बना रहे हैं, लेट अस ड्रॉ बेटा जी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन, ठीक। तो बोन जैसे कार्टिलेज की कवरिंग थी वाया पेरिकॉन्ड्रियम, वैसे बोन की कवरिंग है, है ना। वैसे क्या है? बोन की कवरिंग है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पेरी ऑस्टियम, ठीक है।
दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज पेरिओस्टियम. तो बना लेते हैं, ये अपने ने बनाया, दिस इज पेरिओस्टियम. साथ साथ बनाना बेटा, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, सर्च करो सीप पाहुजा बायोलॉजी के नाम से, मिल जाएगा. ठीक है, पेरिओस्टियम जो कि क्या है, एक फाइब्रस लेयर है. ठीक है, फाइब्रस लेयर है. ठीक, हाँ जी, आगे चलते हैं बेटा. नाउ दिस पेरिओस्टियम के नीचे हमें मिलेंगे कुछ सेल्स, बोन के सेल्स. बोन के सेल्स क्या कहलाते हैं, जो इमेच्योर सेल्स हैं बेटा. यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इमेच्योर सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बना दिए. अब अंदर हमने जाके देखा कि जो मैट्रिक्स है बोन का, वो किस फॉर्म में अरेंज्ड है बेटा, सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में. तो रिंग्स बनानी पड़ेंगी, जिसको आप क्या बोलोगे, लैमिले. ध्यान से समझ लेना बेटा, बाद में समझ नहीं आता. सो द मैट्रिक्स ऑफ बोन is present in the form of concentric rings which is called as lamellae. ये सब concentric rings हैं, matrix है बेटा जी, this all is lamellae. ठीक है, ये सारा क्या है, lamellae. ठीक है, बनाते जाओ concentric rings, concentric rings. कुछ matrix बेटा concentric नहीं, ऐसे भी present है, मतलब some of the lamellae are like this, some of the lamellae they are like this, some of the lamellae they are like this. एंड इन कंसेंट्रिक रिंग्स के सेंटर में आपको मिलता है एक केनॉल, जिसका नाम है हेवर्शियन केनॉल. हेवर्शियन केनॉल, देखो दिखाने को मैं तुम्हें इसका डायग्राम भी दिखा सकती थी. बहुत लोग तुम्हें सिर्फ डायग्राम दिखाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे. एनसीईआरटी में भी यही डायग्राम बना हुआ है, लेकिन जब तक नहीं ड्रॉ करोगे, ये लिख के ले लो बेटा, बायोलॉजी लर्न नहीं हो सकती. बायोलॉजी लर्न नहीं हो सकती. जैसे बोला जाता है ना, मैथ्स को जब तक हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता, सेम वे बायो, जब तक नोट्स हाथ से नहीं बनेंगे तब तक आपकी बायोलॉजी लर्न नहीं हो सकती. आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, बिल्कुल, ये सारा सेशन तुम्हें एज अ पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम पे, लेकिन जब तक तुम साथ साथ मेरे बनाओगे नहीं, लर्न नहीं हो सकती. अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें करना है कि नहीं करना, है ना, तुम्हारी चॉइस है बेटा, तुम्हें करना है कि नहीं करना. ठीक है, सो बेटा ये है आपके हेवर्शियन केनॉल. हेवर्शियन केनॉल के अराउंड जो लैमेले हैं, दीज आर हेवर्शियन लैमेले. हेवर्शियन लैमेले, इसी लैमेले के अंदर अपने क्या प्रेजेंट है, स्टार शेप्ड सेल्स हैं, है ना. यहाँ पर क्या है आपके, स्टार शेप्ड सेल्स, ये लीजिए. मैं सारा नहीं बनाऊंगी, बट ये आपके ऑस्टियोसाइट्स हैं, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म, इन द लैक्यूना. लैक्यूना के अंदर प्रेजेंट है. तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स बना दिए, लैमेले बना दिए, अलग अलग तरीके के लैमेले होते हैं. ये होता है हेवर्शियन लैमेले, ये होता है आउटर सर्कमफ्रेंशियल, ये होता है इनर सर्कमफ्रेंशियल, और बेटा ये होते हैं इंटरस्टीशियल लैमेले, बीच के लैमेले. बट इतना तुम्हें याद नहीं रखना, आगे आ जाओ. तो लैमेले के नीचे मैंने देखा एक और लेयर है, किसकी, ऑस्टियोब्लास्ट की. सो देयर इज वन मोर लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, और फिर हमने देखा दैट देयर इज पोजिशनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, है ना, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज बोन मैरो. ये किसकी पोजिशनिंग है, दिस ऑल इज बोन मैरो. यस गाइस, है ना, समझ आ गया, समझ आ गया. ये देखिए, ये बाहर की कवरिंग, ये वाली, दिस वन, दिस इज पेरिओस्टियम. यहां पे मैच करते जाना, ये बाहर की कवरिंग पेरिओस्टियम, अंदर आए बेटा यहां पर बोन मैरो होगा, तो ये हो जाएगी बोन मैरो की कवरिंग. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्टियम. मैं लिख देती हूं, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एंड ऑस्टियम. ठीक है, सो ये हो गई पेरिओस्टियम, अंदर बोन मैरो की कवरिंग होगी एंड ऑस्टियम. बीच का एरिया मैंने ये यहां पर बनाया है, यहां पर भी ऑस्टियोब्लास्ट है, यहां पर भी ऑस्टियोब्लास्ट है. और ऑस्टियोब्लास्ट का काम है माइटोसिस करके ऑस्टियोसाइट्स बनाना, ध्यान देना. तो ऑस्टियोब्लास्ट ऊपर वाले नीचे को माइटोसिस करेंगे, करेंगे कि नहीं, नीचे वाले ऊपर को माइटोसिस करेंगे, है ना बेटा. यस, ऊपर वाले नीचे की तरफ माइटोसिस करेंगे, दे विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस द ग्रोथ ऑफ बोन इज, बोन की ग्रोथ क्या हो गई है, बोन की ग्रोथ हो जाएगी बाय डायरेक्शनल ग्रोथ. यस बेटा, द ग्रोथ ऑफ द बोन इज बाय डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ. समझे, क्यों बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि बेटा ऑस्टियोब्लास्ट इस साइड भी है, ऑस्टियोब्लास्ट इस साइड भी है. कार्टिलेज याद कर लो, कार्टिलेज बेटा याद कर लो,
कार्टिलेज में एक ही साइड पे था, पेरिकॉन्ड्रियम वॉज ऑन ओनली वन साइड, तो ग्रोथ एक ही साइड से हो सकती थी, तो वो यूनिडायरेक्शनल है. जबकि अगर हम बात करेंगे बोन की, है ना, इफ आई टॉक अबाउट बोन द ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल. डन. चलिए दूसरी चीज, अब ये हेवर्शियन कैनाल के बीच में होता क्या है, वॉट इज देयर इन हेवर्शियन कैनाल. अगर मैं ध्यान से देखूं यार, हेवर्शियन कैनाल ना ऐसा दिखता है. दिस इज वन हेवर्शियन कैनाल, हेवर्शियन कैनाल ये दूसरा हेवर्शियन कैनाल है. बोथ द हेवर्शियन कैनाल दे आर कनेक्टेड बाय दिस ट्रांसवर्स कैनाल विच इज कॉल्ड एज फॉकमैन्स कैनाल. फॉकमैन्स कैनाल, ठीक है. दो हेवर्शियन कैनाल है, आपस में जुड़े हुए हैं. एक हेवर्शियन कैनाल के अंदर ब्लड वेसल है, अंदर नर्व्स हैं. तो समझ रहे हो, यहाँ कहीं आपका हेवर्शियन कैनाल होगा, अंदर तक ब्लड वेसल जा रही है, तो बोन जल्दी ठीक होगी कि नहीं होगी. कार्टिलेज में ब्लड वेसल बाहर तक थी, बोन के अंदर ब्लड वेसल अंदर तक आ गई है, दैट मीन्स बोन कैन हील फास्टर देन द कार्टिलेज. यस बेटा, बोन कैन हील फास्टर देन द कार्टिलेज. एक बारी फेवरेट इमोजी से बता दो, सेशन को लाइक करके बता दो कि ये बात होगी कि नहीं होगी, बताइए. हाँ जी, यस होगी, यस बता दो एक बार. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो बोन की हीलिंग फास्टर है क्योंकि इस हेवर्शियन कैनाल के अंदर, इसके अंदर बेटा आपको क्या क्या सामान मिलता है, इसके अंदर आपको ब्लड वेसल मिलती हैं, इसी के अंदर लिम्फ वेसल मिलती हैं, इसी के अंदर नर्व्स मिल जाते हैं, इसी के अंदर कुछ ऑस्टियोसाइट्स यानी कि सेल भी मिल जाते हैं. तो जब आपने एक हेवर्शियन कैनाल के सराउंडिंग ये हेवर्शियन लैमेले देखे, देखो ये स्ट्रक्चर बन जा रहा है, एक हेवर्शियन कैनाल सराउंडेड बाय हेवर्शियन लैमेले. This whole structure is called as Hevertian system. ठीक है, तो मैं Hevertian system को highlight कर देती हूँ. So Hevertian system ये है, ये एक Hevertian system है, ये दूसरा Hevertian system है. ठीक है, तो this is called as Hevertian system. या फिर इसको क्या बोलोगे, osteon बोल दोगे. क्या बोल दोगे इसको, ऑस्टियन बोल दोगे. एंड ऑस्टियन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉन्ग मेमेलियन बोन. बर्ड्स की बोन में नहीं है, एम्फीबियंस की बोन में नहीं है, फ्रॉग की बोन में नहीं है, रेप्टाइल की बोन में नहीं है, सिर्फ ऑस्टियन. आपको ऑस्टियन यानी कि इस तरीके का अरेंजमेंट जिसमें सेंटर में हेवर्शियन कैनाल हो, उसके बाहर लैमेले हो, ये पूरा अरेंजमेंट इज द हेवर्शियन सिस्टम. एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग मैमिलियन. वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मैमिलियन बोन. ठीक है बेटा जी, इसको तो आपको हाईलाइट अच्छे से कर लेना चाहिए. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग मैमिलियन बोन्स. यस, तो ये पूरा एक हेवर्शियन सिस्टम और ये पूरा क्या हो जाएगा, एक हेवर्शियन सिस्टम. चलिए बहुत बढ़िया. ओके, विद दिस वी आर डन विद द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन. आई होप बेटा ये क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है. ठीक है, हाँ जी, तो ये मैंने आपको बोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा. जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, ध्यान देना, तो बोन के आप टाइप्स देखिए, एक तो सेंट्रल पार्ट है, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, और एक एजेस है. ठीक है, एजेस हैं. सो द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस, जो शाफ्ट रीजन है. ये क्या है, एक तरीके से शाफ्ट है. दिस इज गोइंग टू बी द शाफ्ट रीजन एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड एज शाफ्ट बेटा जी, इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस. अब एंड वाले रीजन की बात करोगे, दैट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा तो मैंने शाफ्ट में देखा देयर इज येलो बोन मैरो एंड बेटा देयर इज रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो का ये रहा, ध्यान दो, सेंटर में आ रहा है येलो बोन मैरो डायाफाइसिस रीजन में, एपिफाइसिस रीजन में क्या आ रहा है, रेड बोन मैरो आ रहा है. एक बारी बना के दिखा दे आपको यही चीज, आ जाइए. चलिए, सो ये आपका बोन है लॉन्ग बोन, इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं. ठीक, सेंटर में हमने क्या देखा, सेंटर में बेटा जी हमने देखा देयर इज येलो बोन मैरो. ठीक है, ये सब करना है.
हो सकता है आपको ये एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन ये सब फिर भी आपको करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोन में करना है. दिस इज येलो बोन मैरो. ठीक है, एंड्स पे आपको क्या मिलता है? इन दिस एंड्स पोर्शन यू विल फाइंड आउट रेड बोन मैरो. ये सब क्या है? रेड बोन मैरो. अगर आप इसी कलर से बनाएंगे ना, तभी मैं बोलती हूँ बच्चे के पास जरूरी नहीं है कि रंगदार बिल्कुल कॉपी होनी चाहिए, लेकिन बायो का जब काम करने बैठते हो तो एक दो कलर जरूर रखो. हो सकता है आपको प्लांट वाली बायोलॉजी में इतनी जरूरत ना पड़ती हो, बट एनिमल से रिलेटेड जब बायोलॉजी है तो मेरे हिसाब से कलर्स होने चाहिए. जितना कलर अब इस कलर से आज तुमने बना लिया, बारी बारी तुम इसी पेज से रिविजन करोगे तो बेटा वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना, कि पेपर में याद आएगा कि ये फोटो ऐसी दिखती थी. उस फोटो में तुम्हें दिखेगा कि सेंटर में येलो कलर था, एंड्स में कौन सा कलर था? रेड कलर था. तो बस यही इसी तरीके से याद किया जाता है. इसी वजह से आपके पास कलर्स होने चाहिए. ठीक है, हैं सबके पास कलर्स कि नहीं है? दिस इज गोइंग टू बी रेड बोन मैरो. रेड बोन मैरो. ठीक है, अब बोन मैरो का क्या काम होता है? मूवीज में तो बड़ा सुना है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएंगे. बोन मैरो का काम होता है हेमोपोइसिस करना. हेमोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल फॉर्मेशन. तो कौन सा बोन मैरो हेमोपोइसिस करता है? इट इज द रेड बोन मैरो जो कि हेमोपोइसिस करता है. लेकिन आपका जो येलो बोन मैरो है ना, ये जो येलो बोन मैरो है ये फैट स्टोर करता है. सो इट इज अ फैटी रिजर्व. इट स्टोर्स फैट, स्टोर्स लिपिड्स. अब आप सोचोगे मैम ब्लड सेल इतने ज्यादा हैं और बोन मैरो के लिए आपने रेड बोन मैरो को कोनों पे छोटी छोटी जगह दे दी है, क्या होगा अगर कोई दिक्कत हो गई? अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है, आपको बहुत ब्लड लॉस हो रहा है, तो यार रेड पे लोड बढ़ जाएगा, है ना? रेड पे लोड बढ़ गया तो रेड ना अपने पड़ोसी से मदद मांगेगा कि यार है तो तू भी बोन मैरो मदद कर देना, थोड़ा सा तू भी ब्लड सेल बना दे. तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इंजरी होती है, तब दिस येलो आल्सो कन्वर्ट्स इनटू रेड. ये येलो वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में. लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ स्ट्रेस कंडीशन में मदद करेंगे, ऐसे मदद नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर? यस. सो दिस इज अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द बोन. ये आपने देख लिया है. दिस इज द एपिफाइसिस रीजन, दिस इज ऑल्सो एपिफाइसिस रीजन, दिस इज गोइंग टू बी द डायफाइसिस रीजन. एपिफाइसिस के पास कौन सी बोन होती है? स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी को ही आप क्या बोलते हो? कैंसिलेट बोन. कैंसिलेट बोन. ठीक है, डायफाइसिस के पास कौन सी बोन होती है? कॉम्पैक्ट बोन, जिसपे हेवर्शन के नॉल होंगे. कॉम्पैक्ट बोन. यस बेटा, चलिए. तो बोन का बेटा जी स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से क्लियर है. ये सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाना, ये किसका काम है? आपकी बोन्स का ही काम है. सो इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी. क्लियर? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. सपोर्ट करेगा आपके बाकी के टिश्यूज को, प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, लिम्ब बोन्स दे सर्व एज वेट बियरिंग फंक्शन. आपकी जो फीमर है, थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, आपकी बॉडी का वेट उठाती है ना? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, क्योंकि यही बोन्स है बेटा जो मसल से अटैच है. मसल से अटैच वाली बोन आपको मदद करेंगी इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. एंड ब्लड सेल्स दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो. सो दीज आर गोइंग टू बी द फंक्शंस. ठीक है, फंक्शंस ऑफ द बोन्स. राइट गाइज, दिस इज द फंक्शंस ऑफ द बोन. क्लियर? चलिए, तो ये आपके बोन का स्ट्रक्चर हो गया. हाँ जी, ओके. अब कुछ कंडीशन है बेटा, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट सर्टेन कंडीशन. कि अगर तुमने बोन को एसिड में रख दिया, अगर आपने बोन को बेस में रख दिया, तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले बेटा ट्रीटमेंट करते हैं. लेट अस ट्रीट बोन विद HCl. फर्स्ट कंडीशन, लेट अस ड्रॉ इट हेयर. यस, बोन प्लस HCl. क्या लगता है क्या होगा? सही सलामत रहेगी? लेके आओ बोन, एसिड में डाल दो. है, एसिड में डाल दो. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? If you will put bone in HCl, the inorganic part of the bone is going to dissolve. मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, मैंने बता दिया that inorganic part is going to dissolve. ये क्या हो जाएगा? Dissolve हो जाएगा. आगे सोचो, आगे सोचो बेटा. अगर inorganic part dissolve हो गया, हाँ जी, what is going to, क्या बच गया? Organic part बच गया. Organic part इट इज गोइंग टू रिटेन, है ना? ऑर्गेनिक पार्ट बच गया, तो बोन हार्ड हो जाएगी या फ्लेक्सीबल हो जाएगी? बताइए बताइए बताइए, बोन हार्ड हो जाएगी या फ्लेक्सीबल हो जाएगी? बिल्कुल सही है.
इनऑर्गेनिक पार्ट अगर डिजोल्व हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट मतलब कैल्शियम डिजोल्व हो गया, यही तो इनऑर्गेनिक है, कैल्शियम खत्म हो गया, उसी ने स्ट्रेंथ देनी थी, बोन क्या हो गई, सॉफ्ट हो जाएगी. सो इफ यू विल पुट बोन इन एच सी एल, द बोन इज गोइंग टू बिकम विदाउट कैल्शियम, इट इज गोइंग टू बिकम डी कैल्सिफाइड, यानी कि बोन हो जाएगी सॉफ्ट, यानी कि बोन हो जाएगी फ्लेक्सिबल. ठीक है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. चलो एक कंडीशन हो गई एसिड वाली. दूसरी कंडीशन, अब बोन को ले आओ, बोन को डाल दो बेस में, कोई भी बेस चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, लेट अस पुट बोन इन बेस. सो बोन प्लस के ओ एच, क्या कुछ होगा, क्या इस केस में और कैल्शियम आ जाएगा, कहां से आएगा, के ओ एच के पास कैल्शियम थोड़ा है ना. सो इन केस इफ यू विल पुट बोन इन के ओ एच, नथिंग विल हैपन, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट. यस गाइस, चलिए अगला हिस्सा करते हैं. बोन को जला दो, बोन इज हीटेड, पानी में रखिए और पानी को उबालने रख दीजिए. सो नेक्स्ट कंडीशन इज बोन प्लस हीट. ठीक है, हीट कर दो, अब क्या होगा, बोन को तुमने हीट कर दिया, इन दैट केस द ऑर्गेनिक पार्ट इज गोइंग टू डिजॉल्व, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा हाई टेम्परेचर पे आपके सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये सारे सेल्स हैं, दीज ऑल आर सेल्स, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव ऑन हाई टेम्परेचर, ऑर्गेनिक पार्ट इज गोइंग टू डिजॉल्व, जबकि इनऑर्गेनिक पार्ट वैसा का वैसा रहेगा, इनऑर्गेनिक पार्ट इज गोइंग टू रिटेन. ठीक है, वो जो बोन है जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट ही खत्म हो गया, अभी आगे नई सेल नहीं बना पाएगी, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ड्राइड बोन, दिस बोन इज कॉल्ड एज ड्राइड बोन. ठीक है, ड्राइड बोन, ये आपकी डीकैल्सिफाइड बोन थी और ये कौन सी है, ड्राइड बोन. तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, सो बोन प्लस एच सी एल, बोन प्लस हीट एंड बोन प्लस बेस. ठीक, हाँ जी, सो विद दिस नाउ वी आर डन विद द बोन. और अगर मैं आपसे अब पूछूं बोन और कार्टिलेज के बीच के अंतर, तो बता पाएंगे, वुड यू बी एबल टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? हाँ जी बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, कौन कौन बता सकता है, ऐसे ही होता है ना स्कूल में, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा बोन और कार्टिलेज के बीच का अंतर? यस, बता पाएंगे, कर लें एक बार ये अंतर, शुड वी डू दिस अंतर? आना तो चाहिए, आइडियली आपको आना चाहिए. हाँ जी, तो डिफरेंस देखें अगर हम, यस, सो इधर लिख लेते हैं आपका बोन, इधर लिख लेते हैं कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज. हाँ जी, सबसे पहला डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ योर टाइप ऑफ सेल, कौन सा सेल यूज हो रहा है. तो बोन के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ द बोन दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, जबकि कार्टिलेज के सेल बताते जाओ साथ में कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, पहला अंतर आया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल. दूसरा अंतर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटीन, बोन के पास जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिन, इसके पास जो प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन. ठीक है, राइट. अगली चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ लैक्यूना, सेल्स पर लैक्यूना, बोन में देयर कैन बी ओनली वन सेल पर लैक्यूना, कार्टिलेज में देयर कैन बी 1-4 सेल पर लैक्यूना. ठीक है, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो राउंड है, बोन के सेल्स कैसे हैं, स्टिल्लेट है, स्टिल्लेट यानी कि स्टार शेप्ड है, ऐसे बिल्कुल बेटा चमकता तारा है. इसके सेल्स कैसे हैं, राउंड यानी कि ओवल, राउंड और ओवल सेल्स हैं. ठीक है, ये अंतर हो गया. बोन जो है वो बहुत ही हार्ड है, ये जो है कंपैरेटिवली क्या है, सॉफ्ट है. बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज नॉन प्लायबल मैट्रिक्स, नॉन प्लायबल मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स है दैट इज गोइंग टू बी प्लायबल मैट्रिक्स. एम आई मिसिंग एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस बच गया बेटा? बोन के पास कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, कार्टिलेज के पास इतने कैल्शियम सॉल्ट नहीं होते हैं, है ना, सॉफ्ट हार्ड हो गया, ऑस्टियोसाइट्स हो गया, प्लायबल हो गया, सब हो गया, कोई डिफरेंस बचा तो बताओ. हाँ जी बताइए, कोई और डिफरेंस रह गया तो बता दो यार. सेल्स में अंतर, प्रोटीन में अंदर, लैक्यूना में अंदर, इधर स्टिलेट है और इधर राउंड है, इधर हार्ड है, ये सॉफ्ट है, मैट्रिक्स में अंतर है ना.
हाँ बिल्कुल सही है, ये जो बोन है वो बड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और कार्टिलेज कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। डिफरेंस, एक बच्चे ने डिफरेंस बताया, बोन की ग्रोथ क्या है बाई डायरेक्शनल, ये मिस कर गए थे है ना, बोन की ग्रोथ है बाई डायरेक्शनल, इसकी ग्रोथ है यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेंथ, दिस इज अबाउट द मैट्रिक्स, दिस इज अबाउट द ग्रोथ। ठीक, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन बच्चा लिख रहा है, फाइबर्स आर एब्सेंट इन बोन, वेरी बैड वेरी बैड। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन बोन, कोलेजन फाइबर्स हैं बेटा इसके पास, दे आर प्रेजेंट इन बोथ कार्टिलेज एंड बोन। फाइबर्स आर ओनली एब्सेंट इन ब्लड, दे आर ओनली एब्सेंट इन ब्लड, नोवेयर एल्स। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, बोन होती है वैस्कुलर, ब्लड सप्लाई की अगर बात करें, दिस इज गोइंग टू बी वैस्कुलर, क्योंकि इसके अंदर तक ब्लड सप्लाई है, दिस इज गोइंग टू बी ए वैस्कुलर। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड सप्लाई। ठीक, हाँ जी, बहुत बढ़िया। बोन हैज फाइबर, यार ये कहाँ हो, ये लिखवाया तो मैंने तुम्हें, बोन के पास फाइबर्स हैं। ये देखिए बेटा, ये क्या लिखा है, कोलेजन के फाइबर्स नहीं होते, कोलेजन फाइबर्स नहीं होते, बिल्कुल है, बोन बोन डज हैव द फाइबर्स। ठीक है, हाँ जी, तो बात हो गई बेटा बोन और कार्टिलेज के बीच के अंतर की। अब बात करते हैं आपके फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू विच इज ब्लड एंड लिम्फ, दैट इज योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आखिरी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आपका कौन सा है, ब्लड, और साथ में कौन सा आता है, लिम्फ आता है ना। ओके, ब्लड एंड लिम्फ। वैसे तो ब्लड और लिम्फ की जो डिटेल है ना वो हम करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, बट थोड़ा सा बेस मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसके पास कोई फाइबर्स नहीं होते, इट हैज गॉट फाइबर लेस मैट्रिक्स। ठीक है, फाइबर लेस मैट्रिक्स। ठीक है, सेल्स ऑफ द ब्लड डू नॉट डिवाइड, ऐसा भी होता है, क्योंकि सेल्स ऑफ द ब्लड बेटा बनते हैं आपके बोन मैरो से बाय द प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस। चलिए, ब्लड की अगर बात करें, लेट मी टॉक अबाउट ब्लड इन डिटेल। हाँ जी, ब्लड किस किस चीज से बना हुआ है, ब्लड एक टिश्यू है। ठीक है, 55% ऑफ द ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। 55% बेटा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से बना हुआ है। 45% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या प्रेजेंट होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, अबे प्लाज्मा, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड देखते हो बेटा लिक्विड है तुम्हारा, वो लिक्विडिटी किसकी वजह से, फ्लूइड पार्ट की वजह से। सो प्लाज्मा इज एक्चुअली द फ्लूइड पार्ट। प्लाज्मा के अंदर देखा जाए तो 90-92% क्या है, पानी है, तभी तो फ्लूइड है, 90-92% इज वॉटर। ठीक है, अब फिर 8% क्या है, बचा हुआ 6-8% इज गोइंग टू बी प्रोटीन्स। क्या है यहां पर, प्रोटीन्स। प्लाज्मा हैज गॉट थ्री मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेटा, देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन योर प्लाज्मा। वन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन, अदर वन इज कॉल्ड एज ग्लोबुलिन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का क्या काम है, एल्ब्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। बीसीओपी क्या होता है, ऊपर लिख रही हूं, बीसीओपी इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इतना औखा टर्म लिख दिया मैम आपने, मतलब तो बताइए, कोलॉइड, कोलॉइड केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो मेरे ख्याल से क्लास 9th से, है ना, 9th में पहली बार एक कोलॉइड सुना था, 9th में बेटा पहली बार एक कोलॉइड सुना था। तो ये जो कोलॉइड था क्या काम था, पानी को पकड़ के रखता है, पानी को बांध के रखेगा। अब अगर मैं आपकी बात करूं ब्लड की, ये देखिए, दिस होल इज योर ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर पानी है, यानी कि H2O है। हम चाहते हैं कि ये H2O यहाँ से बाहर निकल के ना जाए, यहाँ से बाहर निकल के H2O ना जाए। तो ब्लड के अंदर पानी को, H2O को बांध के रखने वाला कौन है, एल्ब्यूमिन है, जो कि वाटर को लूज करके ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाने देता है। सो इट रिटेन्स द वाटर। सो आपकी प्लाज्मा के अंदर सबसे अबंडेंट, सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन ही होता है, जिसका काम है
पानी को बांध के रखना, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना. सो एल्ब्यूमिन इज अ काइंड ऑफ कोलोइड. ठीक है, हाँ जी, इलेवेंथ में सुना है. हाँ ठीक है, चलिए ग्लोबुलिन आ जाते हैं. फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन, हेयर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट गामा ग्लोबुलिन्स, जो कि किसमें रोल प्ले करती है, डिफेंस में. बेटा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बनाती हैं, IgA, IgB, IgG, IgM, IgD, सो दे हैव रोल इन डिफेंस. फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन. इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन. ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. क्लॉटिंग यानी कि जब भी चोट लगती है तो उसके ऊपर एक वो क्या बोलते हो, स्कैब सा नहीं बन जाता, निशान सा आ जाता है, एक ड्राई हो जाता है, पपड़ी सी बन जाती है, यार जो भी तुम अपनी भाषा में उसे बोलो, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉट. ताकि और ब्लड का लॉस ना हो, वो एक क्लॉटिंग प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. सो योर प्लाज्मा हैज वाटर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, इट हैज गॉट दीज थ्री मेजर प्रोटीन्स. प्लाज्मा, मैं तुम्हें ब्लड सैंपल दे दूं, मैं कहूं प्लाज्मा बनाना, कैसे बनाओगे? इफ आई गिव यू बेटा दिस ब्लड सैंपल, I ask you to make plasma out of it. How will you make plasma? बताओ जरा. How will you make plasma? कोई तरीका है? है? कोई तरीका है तुम्हारे पास plasma बनाने का? Yes, बिल्कुल है. अगर आपको कोई blood sample दे दे, ये आपको test tube है, test tube के अंदर आपका blood sample है, this is your blood sample. Just allow this sample to rest. उसको बोलो तो रेस्ट कर, ओवरनाइट रख दो, या फिर जल्दी मची हुई है तो सेंट्रीफ्यूज कर दो. क्या कर दो? सेंट्रीफ्यूज कर दो. जब आप इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो यू विल सी दैट देयर इज समथिंग विच विल सेटल एट द बॉटम. जो हैवी हैवी चीजें हैं वो बॉटम पे आ जाएंगे. यू विल सी अ पफी वाइट कोट ओवर हेयर, यहाँ पे ऐसे झाग सी बन जाएगी. एंड यू विल ऑल्सो सी अ पेल कलर्ड सोल्यूशन ओवर हेयर. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. अब ये जो प्लाज्मा है, इसके अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन था वो तो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो क्लॉट बन गया. पहले लिक्विड था, अब ये क्लॉट बन गया, दैट मीन्स क्लॉटिंग प्रोटीन भी नीचे बैठ चुका है. तो अब ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मा नहीं, नाउ इट इज कॉल्ड एज सीरम. सो वॉट इज सीरम? सीरम इज एक्चुअली ब्लड. सीरम इज एक्चुअली बेटा जी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर निकाला तो क्या बन गया? सीरम. यस, सीरम सबको क्लियर हो गया? सीरम बेटा सबको क्लियर हो गया कि सीरम प्लाज्मा को ही बोलना है, लेकिन जब प्लाज्मा में से ये वाला क्लॉटिंग फैक्टर खत्म हो जाएगा ना, फाइब्रिनोजन जब नीचे बैठ जाएगा, ब्लड का क्लॉट बना लेगा, उसे आप क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे. ठीक है, इट इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. बिल्कुल सही है. ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं टुवर्ड्स द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ब्लड, दे आर द सेल्स. सबसे पहले तरीके के रेड कलर देने वाले एरिथ्रोसाइट्स, RBC, एरिथ्रोसाइट्स. ठीक है, देन यू हैव गॉट WBCs विच आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, एंड देन यू हैव गॉट प्लेटलेट्स. तो आपके पास तीन तरीके के सेल्स हैं, RBC हैं, WBC हैं, और क्या प्रेजेंट हैं? प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं. यस, अब आ जाता है नंबर. नंबर बताओ बेटा RBC का, है? अगर आपको आ जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ RBC, तीनों का नंबर पता होना चाहिए. सबसे अबंडेंट वैसे RBCs ही हैं. RBC दे आर 4.5 to 5.5 मिलियंस. देख रहे हो बेटा, जैसे हमारा चैनल मिलियन में है ना, वैसे RBC भी मिलियन में, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. WBC का नंबर देखेंगे तो वैसे ही बढ़ता घटता रहता है. इन्फेक्शन हो जाए तो बढ़ जाता है, ना हो तो कम रहता है. तो कितना कम रहता है? 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, तीसरा बच गया आपके पास थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स लाखों में होता है, 1.5 lakhs to 3.5 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, तो सबसे अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा हुआ? सबसे अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा हुआ बताइए, बताइए, बताइए बेटा, सबसे अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा हुआ?
के का मतलब, जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, के का मतलब होता है 1000। अगर आपको नहीं पता, मैंने 6 के 7 के लिखे, के इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर 1000, यानी कि 6000 to 8000, ये तो लैक्स लिखा ही है, 1.5 to 3.5 लैक्स। ठीक है, हाँ जी, सबसे अबंडेंट, सबसे पहले नंबर पे आ जाएंगे आरबीसी, आरबीसी के बाद आता है प्लेटलेट्स जो कि लाखों में है, एंड देन आ जाएंगे आपके डब्ल्यूबीसीज विच आर इन थाउजेंड्स। ठीक है, सो दिस इज द सेल्स ऑफ द ब्लड अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, आई शुड से डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा आपके आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की। फंक्शन आप लोग जानते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है, डब्ल्यूबीसी दे हैव मेजर रोल इन डिफेंस, वाइल्ड प्लेटलेट्स दे हैव मेजर रोल इन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। इससे ज़्यादा डिटेल बेटा होती है कि क्लॉटिंग कैसे होती है, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बताइए, ग्रैनुलोसाइट बताइए, ए ग्रैनुलोसाइट बताइए, लेकिन वो हम करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। अभी करा दूं क्या, बताइए, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी अभी करने हैं, बॉडी फ्लूइड्स में करने हैं, यस कम ऑन टेल मी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी अभी करने हैं या फिर बॉडी फ्लूइड्स में करेंगे? ग्रोथ ऑफ बोन बाई डायरेक्शनल बेटा, बहुत सारी चीजें होती है ब्लड से रिलेटेड। आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल फॉर्मेशन ऑफ सेरम, आई विल टेल यू अबाउट द आरबीसी स्ट्रक्चर, इट्स शेप एंड हीमोग्लोबिन फंक्शन, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ए ग्रैन्यूलो, ग्रैन्यूलो, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट क्लॉटिंग का सारा मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ जी, बॉडी फ्लूइड्स में करेंगे। चलिए, जिनकी इच्छा है अभी वालों की, अभी वालों के लिए जस्ट मैं नाम बता देती हूँ, वैसे मैं कवर जरूर कराऊंगी, टेंशन नहीं लेना, आपकी एनसीईआरटी भी स्टेज पे कवर नहीं करती, बट यस, चलो कोई बात नहीं। डब्ल्यूबीसी बेटर, दे आर ऑफ टू टाइप्स, तुम लोग रिवाइज कर लो, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ग्रैन्यूलोसाइट्स, ग्रैन्यूलोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रैन्यूलोसाइट कौन से टाइप के होंगे? दो तरीके के हैं, वन इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मोनोसाइट। ठीक है, इधर आ जाएंगे बेटा ग्रैन्यूलोसाइट, ग्रैन्यूलोसाइट में आपके पास आते हैं मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एक मोस्ट अबंडेंट है, 60 to 65% यही है। देन आपके पास आता है इओसिनोफिल विच इज एसिडोफिल, एंड देन आपके पास आते हैं बेसोफिल्स, बेसो क्या हो गया बेटा, क्या चाहती है पेंसिल? अच्छा, कुछ नहीं चाहती है, थोड़ा ढीली हो गई थी, बेसोफिल्स। ठीक, अब पूछा जाता है सबसे बड़ा साइज किसका है, इन सब में से विच वन इज द लार्जेस्ट साइज, जरा बताइए विच वन इज द लार्जेस्ट साइज, सबसे लार्जेस्ट, देखिए जरा तुम्हारी नॉलेज, ड्रॉपर वाले बताएं, लार्जेस्ट, न्यूट्रो वाले बच्चे अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाए, न्यूट्रो बेटा इज नॉट द लार्जेस्ट, न्यूट्रो, न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा साइज पूछा है बेटा आपसे, सबसे बड़ा साइज पूछा है किसका होगा, न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा है बट सबसे ज्यादा साइज नहीं है, साइज सबसे बड़ा किसका है, मोनोसाइट का है, तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट एंड न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट अबंडेंट, ये अबंडेंट है। ठीक है, ये क्या अबंडेंट है, मैं सबका नंबर लिख देती हूँ, फर्स्ट नंबर पे मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल है, दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट है, 22-25% आपके लिम्फोसाइट्स हैं, ये सिर्फ 2-8% है आपके मोनोसाइट। इओसिनोफिल की बात करें तो 2-3%, बेसोफिल सबसे कम 0.5-1%। बेसोफिल वही काम करते हैं जो टिश्यू में मास सेल करता है, कल बताया था बेटा आपको कि जो अगर टिश्यू में प्रेजेंट है आपका, इफ योर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बेसोफिल, तो अगर ये बाहर, अगर आपकी ब्लड वेसल में बेसोफिल है तो ये बाहर आकर क्या कहलाएंगे, मास्ट सेल। काम सेम है, हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन सब ने मिलके, जैसे बेसोफिल और इओसिनोफिल देखे तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल है, न्यूट्रोफिल देखे तो फर्स्ट फैगोसाइटोसिस में रोल है ना, दे हैव रोल इन फैगोसाइटोसिस, अगर मैं आपको बताऊं,
इनका रोल है फैगोसाइटोसिस में, इसका भी रोल क्या है फैगोसाइटोसिस, इसका काम है बी और टी लिम्फोसाइट बनाना, इसका काम है बेटा एलर्जी कंट्रोल करना, इसका काम है एलर्जी टाइम पे रिएक्शन शो करना, रेडनेस स्वेलिंग ये सब लेके आना, है ना। चलिए अब कुछ सवाल कर लें, अब बेटा कुछ सवाल कर लें। कनेक्टिव टिश्यू इज डन, कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड पार्ट हो चुका है। वी हैव डन बोन, वी हैव डन कार्टिलेज, वी हैव डन ब्लड, वी हैव डन लिम्फ, एक और फ्लूइड भी है, अनदर फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक है, आपकी बॉडी में एक और फ्लूइड भी होता है लिम्फ। लिम्फ भी ब्लड से ही बनता है, डिराइव फ्रॉम ब्लड ओनली एंड इट मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम। इसका भी डिटेल हम कर लेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। ठीक, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, ब्लड की बात हो गई है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी, यस, बताइए। क्वेश्चन नंबर वन, मैं नंबर दे देती हूँ आपको, बताना आंसर इजी हो जाएगा, नंबर दे देती हूँ बताना इजी हो जाएगा। बताइए बताइए, ऑल इंडिया पीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। यस गाइस, कम ऑन टेल मी। बेटा मास सेल होता है, बेसोफिल टिश्यू में जब आ जाता है उसी को मास सेल होते हैं, एंड दिस आर वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपको मास सेल मिलते हैं जो कि हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन विल यू कम अक्रॉस द सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली। सबसे ज्यादा सेल जंक्शन आपको हाइलाइन कार्टिलेज में दिखेंगे, हैं? कार्टिलेज में दिखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में दिखते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स में दिखते हैं या फिर टेंडन्स में दिखते हैं। कहाँ पर मिलेंगे सबसे ज्यादा सेल जंक्शन? हाइलाइन में। सोच लो एक बारी बेटा सोच लो, कार्टिलेज में कहीं हमने जंक्शन के बारे में बात की है? सेल जंक्शन, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन कार्टिलेज में बनाया कहीं? कहीं बनाया हो कार्टिलेज में, हैं? कहीं बनाया हो कार्टिलेज में? कहीं नहीं बनाया। हमें सेल जंक्शन यूजुअली कहां पर मिलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, फिर हम मसल में भी देखेंगे मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज एपिथेलियम, नॉट ए। ठीक है, नॉट ए, प्लीज। हाँ, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना इज ऑल्सो फाउंड इन। ऐसे टाइप का टिश्यू जो कि सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है इन योर पिन्ना इज फाउंड इन, और कहाँ मिलता है बताइए? पिन्ना में कौन सा है फिर बताओ, और कहाँ मिलेगा? टू का आंसर, क्वेश्चन नंबर टू। इट इज ऑल्सो ऑल इंडिया पी एम टी 2009, पहले नीट का नाम ही ऑल इंडिया पी एम टी होता था, है ना? यस, कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही है, पिन्ना में जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट मीन्स दैट इज येलो इलास्टिक, येलो इलास्टिक कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। और हमें कहाँ पर मिलेगा? टिप ऑफ द नोज में, वर्टिब्रे में तो हमारा फाइब्रस कार्टिलेज होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। लिम्फोसाइट्स आर मोर इन, ये इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट वन, ग्लास लाइक कार्टिलेज इज, ग्लास लाइक कार्टिलेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री। ग्लास लाइक कार्टिलेज इज, हाँ जी, ग्लास लाइक हाइलाइन फाइब्रो कैल्सिफाइड या इलास्टिक, एक के बारे में लिखा था, उस नाम का मतलब ही ग्लास है, उस नाम का मतलब ही ग्लास है, दैट इज गोइंग टू बी हाइलाइन कार्टिलेज। बिल्कुल ठीक, ए इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन कल कर लिया था। अगला क्वेश्चन, ओके, द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द टिप ऑफ द नोज दे आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बेटा, दे ऑल आर PYQs। सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस जो कि आपको टिप ऑफ द नोज पे मिल रहे हैं और एक्सटर्नल ईयर में मिल रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर येलो इलास्टिक कार्टिलेज मिल रहा है ना, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये क्या है? दीज आर टाइप्स ऑफ, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्टिलेज। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने कल कर लिया था, ये भी कल कर लिया था क्वेश्चन, ये भी कल कर लिया था। ओके, नेक्स्ट वन, ब्लड एंड लिम्फ, फिफ्थ क्वेश्चन। ब्लड एंड लिम्फ दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ, बेटा मैंने क्वेश्चन इसीलिए पास कर दिए क्योंकि वो क्वेश्चन हम कल की ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ब्लड एंड लिम्फ दे आर एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू या एरियोलर टिश्यू। ब्लड और लिम्फ दे आर फाइबरलेस, फाइबरलेस
कनेक्टिव टिश्यू, है ना. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ, दे आर एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है? यस, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? डी होगा ना. नर्वस भी नहीं है, एपिथेलियल भी नहीं है, मस्कुलर भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी. ओके, नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टिश्यू? बेटा ट्रांसपेरेंट और ग्लास लाइक पे बड़े सवाल है. ट्रांसपेरेंट और ग्लास लाइक, सेवेंथ क्वेश्चन. कर पा रहे हैं? सारे PYQs हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टिश्यू और ग्लास लाइक टिश्यू? ना टेंडन ट्रांसपेरेंट है, ना लिगामेंट है, ना फाइब्रस है. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज. ओके, नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ले लेते हैं इसको. आइडेंटिफाई द गिवन बिलो टिश्यू विद इट्स टाइप एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है? सेंटर में कुछ है, उसके अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, है ना. कंसेंट्रिक रिंग्स है, बताइए व्हाट इज दिस? एट्थ का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटर में दिख रहा है, दिस इज हेवर्शियन कैनाल, है ना. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. दिस इज हेवर्शियन कैनाल एंड इसके अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स है, दैट मीन्स इट इज अ बोन, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, द मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड एज लैमेले. लैमेले, ओके. ये कल हो गया था वैसे. नाइन्थ वन, व्हाइट एडिपोज टिश्यू कंसिस्ट ऑफ यूनिलोक्युलर फैट सेल्स. यस्टरडे वी हैड डिस्कस दिस. ओके, नेक्स्ट वन. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 11th. 11th करिए, 11th करिए. इन ह्यूमन फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड इन. फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस कौन सा फाइबर की बात हो रही होगी? खुद सोचो. दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाइट फाइब्रस. ऐसे पूरा का पूरा नाम याद रखा करो, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज. अगर आप ये पूरा नाम बारी बारी बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कि अगर फाइब्रस पे लिखा है, दैट इज व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज. व्हाइट यानी कि इसमें कोलाजन फाइबर्स होंगे. कोलाजन यानी कि ये बड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा. स्ट्रांग यानी कि कहां पर प्रेजेंट होगा? इंटर वर्टिब्रल डिस्क. रिलेशनशिप बनाना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी इंटर वर्टिब्रल डिस्क. सी वुड बी द राइट आंसर. हाँ जी, नेक्स्ट वन. क्वेश्चन में देखिए अगला सवाल. कनेक्टिव टिश्यू विल इंक्लूड, क्या क्या है कनेक्टिव टिश्यू में? कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू. कौन सा क्वेश्चन है? 12th. हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड. यस, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है ना. सारे हैं, है ना, ऑल ए बी सी डी. ये आपका स्पेशलाइज्ड, ये भी स्पेशलाइज्ड, ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये भी स्पेशलाइज्ड, है ना. ए बी सी डी, ऑल आर द राइट आंसर. ओके, 13th. इन अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटर सेलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज. इन अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस चैप्टर की पहली लाइन, दे आर कॉल्ड एज टिश्यूज, है ना. दे आर कॉल्ड एज टिश्यू. दिस क्वेश्चन इज डन यस्टरडे. सो विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू. कल की क्लास में हम करेंगे हमारा मस्कुलर एंड नर्वस एक साथ, छोटे छोटे टिश्यूज हैं. कल चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा. एंड थर्सडे को इसी चैप्टर का है एनसीईआरटी रीडिंग. इससे अगला चैप्टर जो मैं लूंगी, दैट इज गोइंग टू बी बायोमोलिक्यूल्स. बाकी मेरी प्रैक्टिस क्लास होगी स्पेशल क्लास पे. स्पेशल क्लास अनअकैडमी की ऐप पर होती है, मेरी प्रोफाइल पर होती है. मेरी प्रोफाइल का लिंक, यही मेरी प्रोफाइल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फॉलो कर लेना वहां जाकर एंड फ्री क्लासेस वहां पर अटेंड कर सकते हो बाय यूजिंग कोड सीप लाइव. ठीक है, कोड अपना मैम का याद रखना, सीप लाइव. हाँ जी, बाकी यू कैन टेक पार्ट इन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन बेटा वैसे तो 10% ऑफ जनरली होता ही है बाय दिस कोड, लेकिन अगर आप 100% ऑफ चाहते हो सब्सक्रिप्शन में, देन देर इज अ टेस्ट विच इज कॉल्ड एज कॉम्बैट, जो आप अपने फोन में देते हो. एवरी संडे टेस्ट होता है, आज भी हुआ था, बच्चों ने दिया था, 11 बजे होता है. 60 मिनट्स, 28 क्वेश्चन, ऑल एनसीईआरटी बेस्ड. तो रैंक 1 to 3 को मिलती है 100%, रैंक 4 to 10 को 75, 11 to 50 को 50 एंड 51 to 150 को मिलती है 25% स्कॉलरशिप. ठीक है,
तो ये स्कॉलरशिप बेटा आपको मिल सकती है ऑन सब्सक्रिप्शन बाय अपीयरिंग इन कॉम्बैट। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कोड लगा देना सीप लाइफ, टेस्ट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर बात करें बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, देन यू गेट अ चांस टू सब्सक्राइब आइदर फॉर प्लस लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और आइकॉनिक। आइकॉनिक में जो खास बात है वो है बेटा लाइव टेस्ट क्विजेस की, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग एंड ऑफ कोर्स द हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स, हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, एनरोल बाय यूजिंग सीप लाइव। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो बेटा आप ये कोड लगा सकते हैं। इससे आप मेरे साथ साथ सारे मेधावी के टीचर्स, बाकी जितने भी बैचेस हैं, जितने भी टीचर्स हैं अनअकैडमी पे, आप सबसे पढ़ सकते हैं। यही ब्यूटी है अनअकैडमी की, वी गिव यू द कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सेस ऑल द टीचर्स एंड ऑल देयर कोर्सेस। रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं, बाकी हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं। वहां पर भी जो मेरे बैच का नाम है वो मेधावी है, सो इट इज मेधावी ऑन प्लस एंड मेधावी ऑन यूट्यूब। अलग अलग बैचेस हैं बट नाम क्या है अपना सेम है। नाम क्या है बेटा जी अपना सेम है, ठीक है, यस, हाँ जी। चलिए अब मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। अब एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है बेटा, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस पोर्शन की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। एक पेज मान लीजिए, एक डेढ़ पेज है मुश्किल से जितना मैंने आज कराया, उतने एनसीईआरटी जरूर पढ़िए ताकि आपका साथ साथ कवरेज होता जाए और सारे नोट्स आप जरूर साथ साथ बनाया करो। बाकी मैं टेलीग्राम पे तो शेयर करती हूँ, बट डू मेक नोट्स विद योर हैंड एंड डू रीड एनसीईआरटी ऑफ दिस मच। आई विल सी यू नाउ टुमारो एट 3 PM एंड 12 बजे प्लस की क्लास भी है कल। 3 बजे मिलते हैं बेटा, चैप्टर की समाप्ति करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, चलिए प्रियांशु बेटा स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, प्रॉबेबली कल सुबह रखूंगी मैं या फिर कल इवनिंग में 5 बजे, विल सी, मैं बता दूंगी आज शाम को कब होगी। और फुल चैप्टर का प्रैक्टिस है कल, कल स्पेशल क्लास में पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस भी होगा, तो साथ साथ रेडी रखना। ये मत कहना कि मैम आज ही खत्म हुआ है, कैसे दे दें प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ जी। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, एंजॉय योर संडे एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन एक जेम आप, एक स्टोन आप अपने उस जार में से निकालते हैं, तो मेक श्योर कि जब आप उस स्टोन को निकाल रहे हैं तो कुछ मेहनत करके निकाल रहे हैं, ठीक। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।